सर कहा जाता है ये क्लास फिल्म है, ये मास फिल्म है, ये मास सेंटर्स में अच्छी जाएगी, ये सिटीज में अच्छा बिजनेस करेगी लेकिन छोटे सेंटर्स में नहीं चलेगी। फिर 10-20 साल बाद ये फिल्म आती है विच डिफाइज ऑल दीज मिथ्स। ए सेंटर, बी क्लास सेंटर, सी क्लास सेंटर, सिटीज, मॉफ्यूजल टाउन्स, विलेजेस, सभी जगह ये वैसे का वैसा बिजनेस करती है। शायद इस वजह से गुड़गांव जैसे शहर में, पता है बैंगलोर इज द हब ऑफ आईटी, आईटी हब इन साउथ, गुड़गांव इज सपोज टू बी द नॉर्थ का बैंगलोर। तो जब ये फिल्म लगी थी मुझे गुड़गांव से किसी एग्जीबिटर का फोन आया था, कोमल जी कैसी आई, सर सुपर ब्लॉकबस्टर है। अच्छा उसकी आवाज गिर गई, ऐसे क्या हुआ, हाँ मास की फिल्म होगी, ऐसे मास और क्लास क्या होता है, क्लासेस को भी वही, इंडिया तो सबको प्यारी है। अच्छा अच्छा आज सुबह फोन आया, कोमल जी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गुड़गांव संडे के कलेक्शन गुड़गांव के सिनेमाज और मल्टीप्लेक्सेस में 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपीज इन अ सिंगल डे। पठान के भी थर्ड डे संडे को पठान के भी कलेक्शंस इस प्रकार के नहीं थे। पूरे ईस्ट पंजाब सर्किट में इट हैज ऑलरेडी आउटडन द 3 डेज बिजनेस ऑफ पठान। ऑफ कोर्स पठान इज अ बेंचमार्क ब्लॉकबस्टर है, लेकिन कई जगहों पर गदर 2 हैज आउटडन पठान। और आज ही सुबह किसी ने मुझे पूछा तो कहां रुकेगी, आई सेड इस फिल्म का ये है, आप ये बोल सकते हैं मिनिमम इतना करेगी, बट यू कुड बी रॉन्ग बाय 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़, बिकॉज आप कहेंगे 350 करोड़ करेगी, ये 450 करोड़ कर सकती है, आप कहेंगे ये 400 करोड़ करेगी, ये शायद 500 करोड़ तक जा सकती है। एनीथिंग इज पॉसिबल, स्काई इज द लिमिट फॉर दिस काइंड ऑफ फिल्म, बिकॉज जैसा मैंने कहा ये फिल्म नहीं है, ये इमोशन है, ये सेलिब्रेशन है, दिस इज बिकम अ पार्ट ऑफ एवरी सिनेगोअर्स फिल्म गोइंग हिस्ट्री। इस फिल्म ने एक ऐसा कॉर्ड स्ट्राइक किया है हमारे ऑडियंसेस के दिलों में कि पीपल जस्ट कांट गेट ओवर द फिल्म। और शायद इस वजह से इन 3 दिनों में देर आर अमटीन केसेस कि हमने एक बार देखी, दो बार देखी, जैसे मैंने पूर्णिया का केस बताया, अनिल जी आप लेट आए थे पूर्णिया में, एक सनी यू ऑल्सो मिस्ड इट, पूर्णिया इज अ टाउन इन बिहार, पूर्णिया के एक सिनेमा में जहां ये फिल्म चल रही है 18 साल का लड़का 40 किलोमीटर दूर से आता है फिल्म देखने के लिए, 6 बजे वाला शो में पहुंचता है, नॉट अवेलेबल टिकट, उसने कहा मैं 9 बजे के लिए रुक जाता हूं, 9 बजे भी टिकट नहीं मिली, वो 18 साल का लड़का मैनेजर के कैबिन में जाके मैनेजर के पैरों पर पड़ जाता है, सर मैं 40 किलोमीटर दूर से आया हूं, मुझे फिल्म आज देखनी है। मैनेजर ओनर से कुछ भी करो लेकिन ये 18 साल का लड़का आज फिल्म देख के जाएगा। लकीली फॉर द मैनेजर उसने स्पॉट कर लिया, एक उसका दोस्त था जो सेकंड टाइम आया था, उसने बोला प्लीज तू घर जा, सेकंड टाइम कल देख लेना, आज इसको देखनी है, एंड ही वाज अलाउड टू वॉच द फिल्म फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज हमारे जो पूर्णिया के सिनेमा के ओनर है उन्होंने कहा ऐसे फिल्म बफ्स है तभी तो फिल्म इंडस्ट्री जिंदा है, दैट इज द मैजिक ऑफ सिनेमा, कि एक आदमी 18 साल का लड़का रो पड़े, दैट इज द मैजिक ऑफ गदर 2। और अभी मैं यही कह रहा था कि इट हैज कम लाइक ऑक्सीजन फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। जो मायूसी छाई हुई थी, जो लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, क्या होगा इस इंडस्ट्री का, कौन सी फिल्म चलेगी, इट हैज ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स एंड इज स्टिल सेट टू ब्रेक मेनी मोर रिकॉर्ड्स। तो इसलिए इस प्रकार की फिल्म जब आती है, आई थिंक द हैप्पीएस्ट आर द ऑडियंस एंड द हैप्पीएस्ट आर द ट्रेड पीपल, क्योंकि इन प्रकार की फिल्में बनेगी तो ही ट्रेड जिंदा रहेगा, ट्रेड पनपेगा। शारिक साहब, अनिल जी, उत्कर्ष, शक्तिमान जी, सनी पाजी, यू ऑल हैव डन, आप लोगों ने इस इंडस्ट्री के लिए, इस ट्रेड के लिए क्या किया है, आई जस्ट कैन नॉट ओवर एम्फसाइज। यू नो आज के माहौल में हम देखते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके रिव्यूज दिखाए जाते हैं, सो वी हैव हिट्स which are not hits, which are hits on the social media, but असली में collections कुछ और हैं, 5 stars मिल जाते हैं फिल्म को, लेकिन public के 5 thumbs up की जगह शायद 1 या 2 thumbs up मिलके रह जाते हैं, they are good, but they are not as great as they are being put out to the world. ये एक फिल्म है जिसको कोई social media की जरूरत नहीं है, कोई influencer की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फिल्म के साथ है इंडिया के emotions, इंडिया के सेंटिमेंट्स और इंडिया की पब्लिक। अब आप सोचेंगे मैं तो बह गया, एक्चुअली मैं बह जाता हूं,
कोई ब्लॉकबस्टर आती तो मैं तो पागल की तरह बह जाता हूँ, लेकिन